बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैर अफियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आज है संडे का दिन, तो साथ में रमज़ान का भी महीना शुरू हो चुका है। पहले मैं व्लॉग नहीं बना सका उसके लिए माजरत, क्योंकि चैनल पर स्ट्राइक आई हुई थी। तो मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान का मुबारक, महीना मुबारक हो। ठीक है, मौसम देख ले दोस्तों कैसा है। ये काफ़ी अच्छा हो रहा है मौसम, बल्कि अच्छा तो नहीं हो रहा, ये देख दानियाल भी आया हुआ है। कैसे आप सब? मैं आपका अपना दानियाल जी। यार मेरी टिकटॉक आईडी पे जाके यार वीडियो सारी लाइक करो यार, करो करो यार लाइक करो, बच्चे को फेमस कराओ, निकल आओ यार। बाकी दोस्तों गब्बर को मैं अपने घर ले आया, उसकी वजह यह है कि वहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, लड़ाई कर रहे थे ये बहुत ज्यादा, तो इन्होंने ना शेरू की आंख को कुछ कर दिया। अरे कहना क्या चाहते हो? मामू बता रहे हैं कि उसकी आंख उन्होंने ना उसको मतलब काना कर दिया है आंख से। तो बाकी जाऊंगा फिर मैं देखूंगा, आज फिर उसका इलाज वगैरह करेंगे। बाकी हम गब्बर को भी लेके चलेंगे उधर बाहर, फिर उसको सैर कराएंगे थोड़ी देर। और मौसम यार बहुत ज़्यादा गर्मी होती जा रही है, थोड़े देर रखते हैं ना, बिल्कुल ऐसे बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता, इतनी शदीद गर्मी है। मेरी तरफ से सब यूट्यूबर्स को मेरी तरफ से क्या कहते हैं, रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, सबको रमज़ान मुबारक। यार गर्मी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है मुझे, मुँह पर दाने वगैरह भी काफ़ी बन गए या इनका भी कुछ करना पड़ेगा इससे पहले पहले, वरना फिर इस पर यार इतना अजीब लगूंगा मैं। इसने बचिया सेट करनी होती है। ये देखिए गाइस इस्माइल भी आ गया, कैसे हो भाई, हाय करो सबको। इसको नहीं लगती गर्मी, ये देखिए जैकेट वगैरह पहनी है, शूज़ वगैरह पहनी है, हमें देखे हमने सिंगल शर्ट पहनी हुई है। ये देखिए गाइस ये दानियाल की मुन्ना शपाटर बाइक है, मुन्ना शपाटर साइकिल है सॉरी। आह क्या बात है, आय हाय। चले दोस्तों हम गब्बर को नीचे लेके आते हैं, उसको बाहर चार कराते हैं चलते। चलो भाई दानियाल। जिसको हम भाई लेकर आ चुके हैं, पता नहीं मेरी आवाज आपको आ रही होगी या नहीं, इसको हम छोड़ के देखते हैं। देखो यार छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दे, आराम रुक जा रुक जा, अब ये थोड़ी देर फिर लेगा गाइस, फिर हम इसको ना ले चलेंगे। और नहीं करो इसमें तंग कर रहा है उसको, थोड़ी देर फ्रेश वगैरह हो जाए यहाँ पे खा पी लेके। दोस्तों लड़ाई करने की वजह से ना इसके पाँव में चंडी भी पड़ गई है, तो उसका भी अभी इलाज करेंगे हम लोग। बाकी यहाँ पे खुश है, सही फिर रहा है, फिट है बिल्कुल, फिर अच्छा माहौल है, छाँव वगैरह है। दरख्त पे चढ़ने लगे, दरख्त पे चढ़ने लगे, बंदर बनने लगे हम लोग। चलो भाई चढ़ो, पहले यहाँ पे शाख वगैरह होती थी, पहले हम लोग चढ़ जाते थे, अब यहाँ से मौसम भी एक तो इस तरह का है, माली ने ना सारी शाखें वगैरह काट दी है, तो अभी मुश्किल है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बाकी ट्राई करते हैं, करो यार। ओ भाई साहब चढ़ गया दही थोड़ा सा, लेकिन अब नहीं सही चढ़ा, पहले इधर तक चले जाते, मैं कोशिश करता हूँ। चले गाइस साहब मेरी बारी है, मैं कोशिश करता हूँ। ओह इब्राहिम दिया, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये देखो इस्माइल भी चढ़ गया, खुद ही चढ़ा, बंदर बन चुका, इस्माइल भी बंदर बन गया, खुद ही बन ना, किसी ने नहीं इसको पकड़ा। ये देखो इसमें पावर बहुत है। One eternity later. दोस्तों काफी देर हो गई है मैं बैठे हूँ यहाँ पे, अभी हम इसको लेके चले जाते हैं बस गब्बर को, तो फिर आपसे बाद में मिलते हैं यार वहाँ पर पहुँच के। ये देखो दोस्तों इनको खोला हुआ, अब ये लोग खा लेंगे फिर इनको बंद कर देंगे। Few minutes later. दोस्तों मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ मम्मी के घर, तो पहले मैं अकेडमी चला गया था क्योंकि मेरे पेपर्स होने वाले, इस वजह से इतवार को भी छुट्टी होती है। राजू उसके अंदर बंद है, बाकी ये शेरू इधर है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ पकड़ के। इसकी ये देखिए आँख ना, शुक्र है काना नहीं हुआ आँख से, लेकिन ना जख्म वगैरह हो गया इसकी आँख पे। ये देखिए आपको दिखाता है, तो ये देखिए जख्म है इसको बस, बाकी इसको ट्यूब वगैरह लगा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा ये बिल्कुल। तो इसको मैंने पकड़ लिया, ये देखे बहुत ज़्यादा इसकी आँख स्वेल हुई हुई है, इस साइड से देखे आँख इसकी, दिखाओ भाई इस तरफ से देख ले और इस तरफ से देखे, इतना बुरा हाल है बेचारे का। वैसे बिल्कुल ठीक है, खा पी रहा है, एक्टिव है, इसके लिए दवाई वगैरह लेने गए हुए हैं, दवाई आती है ना फिर इसको लगाते हैं पोलीफिक्स ट्यूब वगैरह। अभी इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, ये खा पी लेगा। यहाँ पर राजू बंद है दोस्तों, इसको भी निकाल कर देख लेते हैं थोड़ा सा बस, फिर इसको दोबारा बंद कर देंगे।
इसको चेक कर लेते हैं। वैसे इसकी भी बुरी हालत हुई हुई है। जमाल की हालत देखे। जमाल क्या हुआ आपके मुर्गे के साथ? रोजा नहीं रखा? क्यों? क्या कल रखोगे? बहुत तेज हो रहा है। उसको बड़ा दुख हो रहा है यार, वो बेचारा, उसकी आंख जाया हो गई है। बस दुआ तो यही है कि खराब ना हो। बाकी इसको बंदी कर देते हैं, कई लड़ाई करेंगे फिर से। वो खुला रहे शेरू। वैसे बिल्कुल ठीक है, देखे बिल्कुल सही दौड़ भाग रहा है, माशाल्लाह एक्टिव है फुल। बस आँख की थोड़ी सी स्वेलिंग है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी ये। इसको ट्यूब वगैरह लगाएंगे ना, फिट हो जाएगा बिल्कुल। दोस्तों दवाई ले आए हैं, तो अभी हम शेरू को पकड़ के ना, अभी इसको पकड़ते हैं फिर इसको खिलाते हैं दवाई। पकड़ में नहीं आना अभी इसने, इसको पकड़ते हैं फिर आपसे मिलता हूँ। ये देख दोस्तों, ये भी इसको लगाते हैं, क्या बना रहे हैं। ये देखो दोस्तों, इसको लगा दिया, ट्यूब वगैरह गोली भी खिला दिया, पानी शानी पिला दिया। तो अब फिलहाल इसको थोड़ी देर बंद कर देते हैं और राजू को खोल देते हैं। देखो दोस्तों, इसको खोल दिया मैंने, इसकी भी दुम वगैरह टूट गई है, कुरीजे इसकी ख़राब हो गई, जैसे इसके भाई की हो गई या गब्बर की। लेकिन खैर है, इसको हमने अब ज़िबा कर देना बस, ये 11वें रोज़े वाले दिन इसका काम तमाम कर देना। दोस्तों अगर आपके भी मुर्गे वगैरह आपस में लड़े, आँख वगैरह का कोई मसला हो जाए, तो आप लोग को यही वाले डाले ऑइंटमेंट है, साथ एक सेप्ट्रान भी खिला दे ताकि जख्म जल्दी उसका सही हो जाए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैं इसको डाल दी, खिला दिया मेरा मतलब। इसको दोस्तों आप संभाल के रख देते हैं। हो चुका है तो इसको खोला हुआ था, इसने खाना वगैरह खा लिया है, अभी थोड़ी देर तक शेर को खोल देंगे, वो भी खा लेगा, फिर इन सबको बंद कर देंगे। तो यही था आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।